जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। रशिया से 21 MiG-29 और अमेरिका से P-8I एयरक्राफ्ट खरीदने वाली डील स्क्रैप। इंडियन नेवी के सबमरीन में इस्तेमाल होगा भारत का स्वदेशी स्टील। BEL ने बनाया पठानकोट जैसे हमले को रोकने वाला ड्रोन। इंडियन नेवी और रशियन नेवी के बीच आयोजित हुई पासेक्स एक्सरसाइज। 19 से 25 जनवरी तक भारत कंडक्ट कर सकता है मल्टीपल वेपन टेस्ट। और डबल बैरल वाली असॉल्ट राइफल बनी आकर्षण का केंद्र। तो जैसे कि आप सभी ये बात जानते हैं कि भारतीय रक्षा मंत्रालय डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत वाली पहल को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ ऐसे कई सारे डिफेंस इंपोर्ट प्रोजेक्ट्स को रिव्यू कर रही है जिन्हें बाय ग्लोबल से बाय इंडियन कैटेगरी में मूव किया जाएगा और इन्हें किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करने के बजाय इन्हें भारत की ही कंपनी से लिया जाएगा। तो अब इसी प्रोसेस के तहत एक अपडेट ये निकल के सामने आया है कि अब भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इंडियन एयरफोर्स के लिए रशिया से 21 MiG-29 फाइटर्स और अमेरिका से 6 एडिशनल P-8I एयरक्राफ्ट को खरीदने वाली जो योजना है तो इन योजनाओं को भी कैंसिल किया जा सकता है। हालांकि इनमें से जो 21 MiG-29 फाइटर्स को खरीदने वाली योजना को कैंसिल करने वाली बात है तो फिलहाल अभी इस पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट का हमें इंतजार है। और इसके साथ एक सवाल ये भी उठता है कि अगर 21 MiG-29 फाइटर्स नहीं लिए जा रहे हैं तो फिर इसके बदले दूसरा विकल्प क्या रखा गया है। और वहीं जो इंडियन नेवी के लिए अमेरिका से 6 एडिशनल P-8I एयरक्राफ्ट को खरीदने वाली योजना है और इसे भी जो कैंसिल किए जाने की बात चल रही है तो इसको लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सोर्सेज के हवाले से कहा गया है कि इंडियन नेवी के लिए अमेरिका से इन P-8I एयरक्राफ्ट को खरीदने के बजाय अब DRDO द्वारा प्रस्तावित मल्टी मिशन मैरिटाइम एयरक्राफ्ट पर विचार किया जाएगा। इंडियन नेवी की स्वदेशी तौर पर डिजाइन और बिल्ड की गई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS कोची ने 14 जनवरी को अरेबियन सी पर रशियन नेवी के साथ पासेक्स एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था और इस दौरान दोनों देशों की नेवीज ने टैक्टिकल मैनूवर्स, क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस और सीमैनशिप एक्टिविटीज को भी कंडक्ट किया था। इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आया है कि महारत्न PSU सेल की एक यूनिट जिसका नाम है रूरकेला स्टील प्लांट, शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं RSP, तो इस प्लांट को सबमरीन्स के लिए हाई स्ट्रेंथ स्टील प्रोड्यूस करने का इंडियन नेवी से सर्टिफिकेट हासिल हुआ है। यानी कि अब इंडियन नेवी के सबमरीन्स के निर्माण के लिए RSP द्वारा प्रोड्यूस किया गया स्टील इस्तेमाल किया जाएगा। और सोर्सेस के मुताबिक RSP ने अभी तक करीब 7000 टन से अधिक स्टील को सप्लाई किया है जो कि कई सारे नेवल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होने के लिए हाई क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL का कहना है कि उनके द्वारा विकसित किया गया एक नया ड्रोन पठानकोट जैसे हमले को रोकने में मदद कर सकता है। और BEL अपने जिस ड्रोन की बात कर रही है वो करीब 9 किलोग्राम का है जो कि एयरफील्ड और एयरबेसिस के ऊपर एक फिक्स पोजीशन में लॉयटर कर सकता है। और इसके साथ ये ड्रोन 360 डिग्री की सर्विलियंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने में सक्षम है। और ये एक टेथर्ड UAV है यानी कि ये केबल जैसे किसी फिजिकल लिंक के माध्यम से ग्राउंड पर मौजूद किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा ही जुड़ा रहता है। और BEL के इस ड्रोन में जो केबल इस्तेमाल की गई है तो यही केबल इस ड्रोन में बैटरी से पावर सप्लाई करने के भी काम आती है। इस ड्रोन को CCD वीडियो कैमरे के साथ भी इक्विप्ड किया गया है और जिसकी रेंज डेलाइट में करीब 2 किलोमीटर तक है। और जबकि इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड थर्मल कैमरास भी इक्विप्ड किए गए हैं जिनकी रेंज करीब 600 मीटर तक है। और कंपनी मानती है कि उनके इस ड्रोन की मदद से पठानकोट जैसे हमले को रोकने में मदद हो सकती है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि 22 से 25 जनवरी तक बे ऑफ बंगाल में भारत की तरफ से एक बार फिर से एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट व्हीकल लॉन्च के लिए एक एरिया वार्निंग जारी की गई है। और वैसे आपको ध्यान होगा कि 19 से 21 जनवरी तक भी बे ऑफ बंगाल पर एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट व्हीकल लॉन्च के लिए एरिया वार्निंग ऑलरेडी पहले जारी की गई थी। और इसलिए कहा जा सकता है कि 19 से 25 जनवरी तक भारत द्वारा एक नहीं बल्कि मल्टीपल वेपन टेस्ट को कंडक्ट किए जाने की संभावना है। और आपको क्या लगता है कि मल्टीपल वेपन टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, अपने विचार आप कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। 14 जनवरी को मणिपुर पुलिस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन में असम राइफल्स ने KNF के एक विद्रोही को गिरफ्तार किया है और इसके पास से एक 9mm की पिस्तल भी रिकवर हुई है। और जबकि एक अपडेट जम्मू कश्मीर से भी है जहां जम्मू कश्मीर पुलिस ने बंदीपुरा में एक आतंकी मॉड्यूल को बस्त किया है और इस दौरान सुअरों के संगठन लश्कर के 3 सुअर एसोसिएट्स भी गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से आर्म्स एंड एम्युनिशन भी रिकवर हुए हैं। और फिलहाल अभी इस मामले की जाँच जारी है। और बाकी आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यहां तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को स्पीड की लाइट से लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्क्वाड को ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का लिंक दिया गया है, तो आप लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक तंजानिया पीपल्स डिफेंस फोर्स दुनिया की ऐसी पहली मिलिट्री बनी है जिसने अपनी सर्विस में डबल बैरल वाली असॉल्ट राइफल को इंडक्ट किया है।
और इस बात का खुलासा तब हुआ जब अभी 12 जनवरी को तंजानिया की एक स्पेशल फोर्स यूनिट के सोल्जर गिलबोर डबल बैरल राइफल स्नेक के साथ परेड करते हुए दिखाई दिए। एक अनयूजबल वेपन होने के कारण ये सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ था। बाकी इस डबल बैरल राइफल के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। तो यहाँ पे जिस गिलबोर डबल बैरल राइफल की बात की जा रही है तो इसे इजरायली कंपनी सिल्वर शैडो द्वारा बनाया गया है और ये एक बहुत ही यूनिक राइफल है जिसमें काफी प्रभावी तरीके से दो 5.56 mm वाली असॉल्ट राइफल्स के ऑपरेटिंग मैकेनिज्म को एक साथ कंबाइन किया गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसी राइफल है जिसमें दो तरह की राइफल्स को एक साथ लाया गया है और जबकि एम्यूनेशन को लोड करने के लिए इसमें दो स्टैंडर्ड मैगजीन्स भी एक साथ लगती हैं। इस राइफल का जो वजन है वो बिना मैगजीन के ही करीब 5.15 किलोग्राम है और इसमें दो सेपरेट बैरल्स, दो मैगजीन, दो इजेक्शन पोर्ट के साथ साथ दो ट्रिगर्स भी हैं। हालांकि दो ट्रिगर वाला सिस्टम इसके सिविलियन मॉडल में है और जबकि इसका जो मिलिट्री वर्जन है उसमें एक सिंगल ट्रिगर सहित दोनों बैरल से फायर होता है। वैसे इस डबल बैरल वाली राइफल को देखकर आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। और बाकी अब समय है आज के इतिहास का, तो आपको बता दें कि आज ही के दिन 1955 में भारत की प्रेस्टिजियस मिलिट्री एकेडमी एनडीए की इनॉग्रेशन सेरेमनी आयोजित की गई थी और इसलिए आज एनडीए की 67th एनिवर्सरी भी है। इसके अलावा आज के दिन 1948 में इंडियन आर्मी के 3 पैरासेफ बटालियन के मेजर ए के रामास्वामी अपने दम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे और उनकी इसी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। और जबकि आज के दिन इंडियन आर्मी के वीर बहादुर योद्धा सिपाही भीकाराम जी का जन्म भी हुआ था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।